नमस्कार, स्वागत है आपका वैश्य व्यापार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अमन वर्मा। चलिए नजर डालते हैं व्यापार से जुड़ी कुछ खास खबरों की ओर। दिल्ली के 5 सितारा होटल में अमेरिकी महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग खासे परेशान हैं। अब अमेरिकी महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद भारत की साख पर असर पड़ेगा। गौरतलब है कि ये पर्यटन का सीजन है और अक्टूबर से लेकर फरवरी तक दिल्ली समेत पूरे भारत में काफी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं। वहीं द इंडिजेस फेडरेशन ऑफ टूरिज्म इंडिया के प्रवक्ता शैलेंद्र श्रीवास्तव के मुताबिक दुष्कर्म की घटना किसी भी देश के लिए धब्बा है। भारतीय व्यापार मंडल फिरोजाबाद लखनऊ के समस्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी के वरिष्ठ पदाधिकारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष इजहर सिद्दीकी, राष्ट्रीय संयोजक अमित त्रिवेदी, प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील मिश्रा के जिला फिरोजाबाद में आगमन पर जबरदस्त स्वागत किया गया। नोटबंदी को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल केजरीवाल ने दिल्ली में स्थित बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में व्यापारियों से मिलने पहुंचे और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। हालांकि जिस वक्त केजरीवाल बवाना इंडस्ट्रियल एरिया पहुंचे और लोगों को संबोधित करने लगे तो नीचे खड़ी भीड़ ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। पटना के कालिदास रंगालय में 3 दिवसीय 8वें फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन हुआ। वहीं गौहर रजा ने भगत सिंह पर केंद्रीय डॉक्यूमेंट्री दिखाई जिसकी लोगों ने जमकर सराहना की। वहीं इस कार्यक्रम में काफी मात्रा में लोग एकत्रित हुए। साथ ही गौहर रजा ने एक छोटी सी टिप्पणी करते हुए कहा कि आम लोग हमेशा पिसते हैं, चाहे वो बैंक की लाइन ही क्यों ना हो। पटना से प्रमण राज की रिपोर्ट। एशियाई बाजारों से मिल रहे पॉजिटिव संकेतों और आरबीआई द्वारा जारी की जाने वाली मौद्रिक नीति में नीतिगत दरों में कटौती की उम्मीद के मद्देनजर घरेलू शेयर बाजारों में हरियाली देखी जा रही है। बाजारों में निवेश को खरीदारी का दौर बना हुआ है और शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स में करीब 120 अंक की बढ़ोतरी देखी गई है। टाटा संस ने साइरस मिस्त्री के उन आरोपों का जोरदार खंडन किया है कि कंपनी का प्रबंधन करने वाले ट्रस्टों के संचालन में कमियां है। अपने पूर्व चेयरमैन मिस्त्री पर पलटवार करते हुए कंपनी ने कहा है कि टाटा समूह के ट्रस्टों का संचालन जमशेदजी टाटा और उनके 2 बेटों की व्यक्तिगत वसीयतों से होता है। बंद पड़ी किंगफिशर एयरलाइंस के कर्जदाताओं ने 22 दिसंबर को फिर से किंगफिशर विला की नीलामी का फैसला किया है। उत्तरी गोवा के कंडोलियम में समुद्र किनारे स्थित माल्यास के इस विला की नीलामी के लिए इस बार आरक्षित मूल्य में 5% की छूट दी गई है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक 6 और 7 को होगी। वहीं इस बैठक में 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने के बाद ये पहली मौद्रिक नीति समीक्षा होगी। साथ ही उम्मीद की जा रही है कि केंद्रीय बैंक इसमें नीतिगत दरों में कटौती का फैसला करेगा। दरों को लेकर घोषणा 7 दिसंबर को की जाएगी। यह वित्तीय वर्ष 2016-17 की 5वीं द्विमासिका मौद्रिक समीक्षा होगी। कंकड़बाग के अशोक नगर स्थित इलाहाबाद बैंक की शाखा में 96 लाख रुपए का चेक जमा किया गया। ये चेक महिला ने जमा किया है। महिला को ट्रेस कर लिया गया है, उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। उसने 2 लोगों का नाम बताया है जिससे उसे यह चेक मिला था। वहीं बैंक अधिकारी ने जांच के बाद पुलिस को बताया है कि चेक फर्जी है। टोयोटा ने 1 जनवरी 2017 से कारों के दाम 3% तक बढ़ाने की घोषणा की है। कंपनी ने यह निर्णय कारों की लागत बढ़ाने और डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू गिरने के चलते लिया है। मेरे साथ आज वैश्य व्यापार न्यूज में फिलहाल इतना ही। व्यापार से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहें वैश्य व्यापार न्यूज। नमस्कार।